गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं सीधा जिम। ओके, तो आज आपको जिम में मैं एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करता हूँ और 10 to 15, मेरे ख्याल से हाँ 15 या 20 डेज, समथिंग 20 डेज पकड़ के चलो, 20 डेज में मैंने अपना फैट लॉस कैसे किया और क्या वर्कआउट किया एग्जैक्टली, वो आपको मैं बताता हूँ। जो कि बहुत ही हार्ड वर्कआउट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कम दिन है ना, है क्योंकि अपने को 5th को निकलना है यहाँ से, तो उसके पहले ट्राई कर रहा हूँ फैट लॉस का। 9:17 हो रहे हैं एंड अंदर क्राउड है, तो मैंने मतलब हमेशा ऐसे ही रहता है कि मैं जल्दी आ जाता हूँ और फिर हाफ एन आवर या 1 आवर में यहाँ पे वेट करता हूँ, जब क्राउड थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद में फिर अंदर जिम में जाता हूँ, तो उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। टाइम देख रहे हो 10:45 और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी 5 मिनट के ऊपर कुछ बचे हुए, डिस्टेंस 1.42 एंड कैलोरीज 92, तो मुझे 130 के ऊपर जाना है, कैलोरी बर्न करना है और 2 किलोमीटर कम्प्लीट करना है, एंड सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है, तो मैं 8 की स्पीड में थोड़ा सा रनिंग करूँगा क्योंकि किसी भी हालत में मुझे 2 किलोमीटर के ऊपर चलना है। वो 4 सेट होने के बाद हम यहाँ पे एब्स का वर्कआउट करेंगे, वो भी 4 सेट कंप्लीट करेंगे। हो गया एब्स का वर्कआउट और अभी लोअर के लिए हम मेहनत करेंगे, जो कि है वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट। जब भी ऐसे मतलब फैट गलता है ना तो यहीं आगे रुकता है मोस्टली, तो मैं वो वर्कआउट करता हूँ ये फैट निकालने के लिए। यहीं के साथ अपना कार्डियो का वर्कआउट होता है ख़त्म और अभी मैं अपना वेट लिफ्टिंग करूँगा, जो कि मतलब प्रॉपर खाली मतलब सब मिक्स करूँगा और वो भी कैसा 2-2 सेट खाली जस्ट वो पंप के लिए, बाकी ऐसा कोई कुछ है नहीं कि मतलब हमेशा लोग कैसा है ना पहले वेट लिफ्टिंग करते हैं और उसके बाद कार्डियो करते हैं, लेकिन मेरा फोकस कार्डियो पे है क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है, तो उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और उसके बाद फिर वेट लिफ्टिंग करता हूँ, जो कि खाली पंप करने के लिए और वो भी मिक्स मतलब सब पार्ट का। तो आप लोग मेरी कंडीशन देखो, मतलब आज है 3 तारीख, कल 4 और परसों हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले मेरी कंडीशन देखो ऐसी है, ठीक है। बस ये मार खा रहा है, इसके वजह से ना पूरे बॉडी की मतलब लुक पूरा खराब कर देता है। देख रहे हो? Have a wonderful day. 42 डिग्री है। कुछ देर के लिए विंडो सब ओपन ही करके रखता हूँ। अब इसको पकड़ने, हाँ ये ठीक है, मतलब इतना नहीं है, चलेगा। हाँ है लेकिन इतना नहीं है। टाइम भी देखो यार, 1:30 बज गए है ना, और शूट कर रहा था ना मतलब व्लॉग बना रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया, लड़खड़ा रहा हूँ पता नहीं यार, तो ज़्यादा टाइम चले गया वर्कआउट करते टाइम और वीडियो बनाते टाइम, इस चक्कर में आज 1.5 मतलब हाफ एन आवर ज़्यादा हो गया, नहीं तो 1 बजे तक तो मैं आ जाता हूँ।
और ये जैकेट की वजह से और गर्मी लग रही है, मुझे भी पता है, लेकिन ये जस्ट पहना है क्योंकि आज व्लॉग बना रहा था, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कुछ नया पहन लूँ, नहीं तो ऑलवेज वही एक जैकेट रहता था, तो मैंने सोचा आज ये वाला वेयर कर लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी नहीं करूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना इसमें। और मैं जैसे वर्कआउट करता हूँ ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वैसा वर्कआउट मत करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 7 से 8 साल का है, ज़्यादा ही होगा, जो कि मेरी बॉडी उस तरह से प्रिपेयर्ड है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे जैसा वर्कआउट मत करना, मतलब जो बिगनर्स है या फिर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ मेरे जैसा मत करना। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा एक एम था 10 से 15 दिन के अंदर मुझे फैट लॉस करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है ना, 2 दिन है सिर्फ मेरे पास, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मत करना मेरे जैसा वर्कआउट। एनर्जी इतनी लो हो गई है ना, अभी सीधा जाता हूँ घर पे, सीधा नहाता हूँ और उसके बाद लंच करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। और जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं ना, मतलब 2 ही दिन बचे, वैसे वैसे ना एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रही है। तो फाइनली अभी अपनी पैकिंग चालू हो गई है, मतलब आज है 3 तारीख, 4:23 हो रहे हैं, एंड मैं सोच रहा हूँ कि जब हम जाएंगे तो ये हम वेयर करेंगे, ये जैकेट और एक सैंडो है ब्लैक कलर का, और इसके नीचे शायद से इसमें से कोई एक जीन्स वेयर करेंगे या तो फिर ट्रैक कोई तो भी ले लेंगे, देखते। एंड ये सारे शर्ट्स है जो कि नेट वाले हैं, मतलब जहाँ जा रहा हो एग्जैक्टली वहाँ ऐसे टाइप के ही क्लोथ्स लगेंगे, जैसे कि ये तो हो ही गया, और साथ में मैंने ना 2-3 सैंडो ले लिए, और ये अंडरवेयर है, शॉर्ट्स है, और एक जैकेट लिया है क्योंकि अपनी बॉडी तुरंत टैन होती है, मतलब मेरे हाथ है ना ये तुरंत टैन हो जाते हैं, तो वो रीज़न से जब भी ऐसा लगेगा तो वो जैकेट पहन लूँगा, जो कि बहुत ही पतला है ना, बहुत ही पतला है, और मैंने कभी वेयर भी नहीं किया है, देखो ऐसे ही है टैग लगा हुआ, तो ये सब इसमें रख देते एंड फाइनली पैकिंग ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे पता है पैकिंग कुछ ना कुछ तो मिस करने ही वाला हो, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी जितना है उतना तो ले रख देता हूँ। एंड गाइज आपको एक चीज़ बताऊँ जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, एंड मैंने पिछले 5 साल में कभी भी उसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है, मतलब वेयर ही नहीं किया है, वो है मेरे शूज़। आपको मेरे शूज़ बता दूँ, है ना, ट्यूबलर है एडिडास के, जो कि मैंने आई थिंक मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से लिए थे, और मैंने कभी इसको वेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं शूज़ का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, एंड मैं केयर भी उतनी करता हूँ, मतलब जब भी कहीं जाके अगर वेयर करके भी आया रहूँगा ना, तो जाके पहले जाके उसको क्लीन करूँगा, एकदम क्लीन रखने की मतलब ट्राई करता हूँ, और इसको हम इस बार लेके जाएंगे और वेयर करेंगे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ एग्जैक्टली, अब वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ एग्जैक्टली, तो वो वहाँ यूज़ करने लायक है। है ना सेक्सी। तो मैंने शूज़ को पेपर में डाल दिया और ये बैग में डाल दूंगा, एंड ये मैंने शूज़ लिए थे कुछ 15,000 में वो टाइम पे, एंड यही रीज़न है 15,000, इसके वजह से मुझे इसको इतना केयर करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा महंगा ये बैग है, ये नहीं है, ये ज़्यादा महंगा है। बाकी भाई लोग प्राइस बताने का एक ही रीज़न है कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि मैंने वो शूज़ की केयर इतनी क्यों की है, वो ये एक रीज़न है कि इतने महंगे है, और इस ये रीज़न की वजह से मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। जाने से पहले एक बार अपना वेट भी चेक कर लेता हूँ, तो जिससे जा रहे हैं वहाँ सिर्फ 15 kg अलाव है, मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा किससे जा रहा हूँ। मतलब 6 किलो के आसपास देख रहे हो इतने लोग और इतने पुलिस वाले, उसका रीजन है क्योंकि आज 3 बजे करीब, हाँ शायद से 3 बजे एग्जैक्टली टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन वो टाइम पे यहाँ पे जस्ट चोरी हुई, मतलब मेरे घर के नीचे ही, मतलब ऐसा सुनने में आया कि 7 लोग थे और गन वगैरह लेके आए थे, एंड कुछ 5 लाख या पता नहीं एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, लेकिन वहाँ पे चोरी हुई, वो रीज़न से वो सब पुलिस वाले। 8:28 हो रहे हैं एंड अभी हम निकल रहे हैं खानवेल के लिए। खानवेल जाने का रीज़न ये है कि मेरी सिस्टर की लड़की का बर्थडे है एंड उनके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया था, तो बर्थडे पार्टी में जाना ज़रूरी है,
एंड लेट होने का रीज़न ये था कि हम एक्चुअली घर का लॉक चेंज कर रहे थे, तो वो रीज़न की वजह से हम हो गए लेट। और अपना नसीब इतना ख़राब होता है ना कि वो जो लॉक लेके आया था ना वो भी ख़राब ही निकला, मतलब उसने फिट किया और उसके बाद पता चला कि वो भी लॉक ख़राब है, तो वो चेंज करने के लिए फिर से गए तो उसमें ज़्यादा टाइम चले गया एंड फिर रह गए ऐसे। तो अभी 8:30 हो रहे और अभी निकल रहे अपन। तो ये ब्रिज का काम आप देख रहे हो, ये है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, मतलब मुंबई टू दिल्ली वाला, वो ये ब्रिज है। पहुंच गए तलासरी, 9:14 हो रहे, भगाया नहीं मैंने दादा, बहुत ही कम भगाया सच्ची में। यार रास्ते पहले से बहुत ही खराब हो गए, मतलब लिटरली यही अपना टाइम चले गया। और आते टाइम यहाँ से डीजल भर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को सस्ते में पड़ेगा और डीजल फुल करा लेंगे, आई मीन टैंक फुल करा लेंगे। तो 9:41 हुए एंड अभी हम जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पे। तो पार्किंग पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे फुल भरा हुआ है। तो जस्ट अपने इनोवा के पीछे पार्क किए बिकॉज मॉम एंड डैड पहले ही आ चुके थे और अपन जस्ट अभी 9:43 को पहुँचे, तो कोई नहीं थोड़ा लेट सही। जाता हूँ सबसे पहले तो कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है, इतना लेट हो गया ना, एक तो 8-9 बजे खाने का अपना टाइमिंग है और 10 बजने आए, तो अपने को ज़्यादा कुछ खाने मिला नहीं, सैलेड पे ही टिकेंगे। तो सीधा वहाँ से निकले और डैड भी है साथ में, तो फिर मैंने वो वीडियो बनाया नहीं। अभी सीधा डीजल पंप है और यहाँ पे डीजल फुल कर दे और सीधा मिलता हूँ आपको घर पे। एवरेज देख रहे हो, अब तक हम कभी एवरेज इतना निकाल नहीं पाए, लेकिन जैसे डैड बाजू में बैठे तो एवरेज देख रहे हो, रियल में 24 था लेकिन आते आते अभी इतना हो गया। तो 12:11 हुए एंड अब भी हम घर पे पहुंचे और करते इस व्लॉग को यही ख़त्म, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना ये व्लॉग, क्योंकि आज ही हमने वो पैकिंग वगैरह सब करी। एंड ये व्लॉग है ना, मैं 5th को नहीं अपलोड करूँगा, ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगा 6th को, क्योंकि जहाँ हम एक्चुअली जा रहे हैं ना वो मतलब एक सरप्राइज प्लान किया हम लोगों ने, एंड वो अगर मैं 5th को अपलोड करूँगा ना तो वो लोग समझ जाएंगे, इसीलिए मैं ये व्लॉग को है ना जानबूझ के 6th को अपलोड करूँगा। एंड आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो गिव इट अ लाइक, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। और नेक्स्ट व्लॉग है ना सीधा 5th को ही होगा, मतलब सीधा जो ट्रिप पे हम निकलेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सोसाइटी में गाड़ी देखी है, लाइन से है ना, पार्किंग की भी जगह नहीं है, सब सेठ लोग रहते इधर, सबके पास गाड़ी है।